हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। आज की हमारी ये वीडियो हमारे सी लैंग्वेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो है। ये बैच हमारा सी लैंग्वेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी कंटिन्यू चल रहा है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इसे लाइक करें, और साथ ही साथ अगर यदि आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर महीने 2 से 3 कोर्सेज के बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं, और जो कोर्सेज हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस में चलते हैं वो हैं सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, जावा एस सी और जावा ई। जावा के बारे में आपको बता दूं कि कुछ लोग कोर जावा और एडवांस जावा के नाम से फैमिलियर होंगे, लेकिन जावा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसे कैटेगराइज कर दिया गया है कि कोर जावा में हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे, एडवांस जावा में हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन आप यदि हमारे यहाँ जावा ज्वाइन करते हैं तो आपको जावा एस सी सीखने को मिलेगा यानी स्टैंडर्ड एडिशंस, जावा ई यानी इंटरप्राइजेज एडिशंस, ये दो हमारे यहाँ जावा से रिलेटेड बैचेस चलते हैं। आप पाइथन हमारे यहाँ सीख सकते हैं, एडवांस एक्सेल विद वीवी आप सीख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी भी सीख सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो भी हमारे कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे कोर्सेज विथ प्रोजेक्ट हैं, यानी आप इनके साथ साथ इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी सीखेंगे। अब हमारे यहाँ मैं आपको सबसे एक खास बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के कोई भी बैचेस आप ज्वाइन करते हैं तो मैं पहले आपको 5 से 10 दिन का डेमो क्लास देता हूँ, यानी कि आप पहले 5 से 10 दिन हमसे कंटिन्यू पढ़ें। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो आप अपनी फीस को सबमिट करके उस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं आपको एक सबसे प्लस पॉइंट देता हूँ, यानी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप फीस को जमा करें, अदरवाइज आप वहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे प्लस पॉइंट हमारे यहाँ है कि आप जो भी बैचेस ज्वाइन करेंगे मैं उस बैच की, उस क्लास की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको मैं डेली का डेली प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि अभी आप ये जो वीडियोस देखने जा रहे हैं हमारे सी लैंग्वेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। अब यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि कौन से बैचेस नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं या कौन से बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं किस कोर्स के, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7991272563 6465 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.valmikiit.com पर जाकर ज्वाइन डेमो फॉर्म में अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, या आप हमारे mathvedicmath.com वेबसाइट पर जाकर के कॉन्टैक्ट अस में अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080622277 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमारे नीचे यहाँ लिखे गए एड्रेस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेमो क्लास चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। हर महीने 2 से 3 नए बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं। ये बैचेज हमारे मॉर्निंग टाइम में सुबह 5 बजे से लेकर के आपको 8 बजे के बीच मिलते हैं, और शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में मिलते हैं। तो टाइमिंग्स मैंने आपको क्लियर कर दी है, सुबह 5 से 8 और शाम को 6 से 10। तो यदि आप किसी बैचेस में इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। तो देखिए, पैटर्न प्रोग्राम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि ये हम लोग एकदम बिगिनर से सीखेंगे, एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे इसकी हम लोग बनाते कैसे हैं, और बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे, और आई होप कि इसमें हम लोगों को 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग इस पर 2 से 3 दिन का समय देंगे? तो देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि पैटर्न प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है, ठीक, और जो कोडिंग स्किल है, ये दोनों चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और आपको एक बात और मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी भी आप इंटरव्यूज वगैरह फेस करने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रख सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये बात कि अगर आपका पैटर्न प्रोग्राम का लॉजिक क्लियर है तो आपका जो कोडिंग स्किल है, जो आपकी जो लॉजिक एबिलिटी है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, और इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से हम लोग के सारे लॉजिक बन सकते हैं। अब चूंकि ये बनते कैसे हैं, ये भी हमारे सामने की इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे मैं आपको यहाँ एक शेप दिखा दूं कि जैसे
मान लीजिए मैं एक स्टार बनाता हूँ, फिर 2 स्टार लगाता हूँ, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, ठीक। ये कुछ मैंने देखिए शेप ड्रॉ कर दिया, एक ट्रेंगल टाइप का है, मुझे ये शेप ड्रॉ करना है। चलिए ये शेप की जगह मुझे ये शेप ड्रॉ नहीं करना था, मुझे यहाँ करना है, मुझे 1 लिखना है, फिर नीचे मुझे 1 2 करना है, फिर 1 2 3 करना है, फिर 1 2 3 4 करना है, फिर 1 2 3 4 5 करना है। देखिए ये भी एक ट्रेंगल शेप ही है, लेकिन इसमें प्रिंट कुछ और हो रहा है। चलिए मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे करना है ए, मुझे करना है ए बी, मुझे करना है ए बी सी, मुझे करना है ए बी सी डी, और मुझे करना है ए बी सी डी ई। तो देखिए ये भी ट्रेंगल शेप है, तो हमें ये सारे शेप को ड्रॉ करना सीखना। अच्छा, ये शेप के अलावा ये कुछ इस तरह से भी शेप हो सकता है, जैसे मैं अगर बताऊं यहाँ पर, यहाँ मैं लिख दूं ए, या यहाँ पर मैंने एक स्टार लगा दिया, फिर जो है 2 स्टार, 3 स्टार होंगे यहाँ, फिर यहाँ पर जो है 4 स्टार, 5 स्टार होंगे सॉरी यहाँ, और फिर तो देखिए ये भी एक ट्रेंगल शेप ही बनता जा रहा है। तो हो सकता है मुझे इस तरह का शेप ड्रॉ करना हो, या ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटीज इसमें और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये शेप है, तो हो सकता है कि मुझे इस शेप के बीच में ये ड्रॉ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे स्पेस देना है, और मुझे यहाँ पर भी स्पेस देना है, और मुझे यहाँ पर भी स्पेस देना, कुछ इस टाइप से, ठीक। और इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये कुछ थोड़ा अलग शेप हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर ये थोड़ा सा बड़ा अगर शेप में बना दूं, तो आपको लगेगा यहाँ पर जैसे एक एक डोर टाइप का है। तो इस तरह से अगर जो जब शेप शेप मुझे ड्रॉ करने होते हैं, तो इसका मुझे लॉजिक समझना पड़ेगा। और अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम लोग डायरेक्टली इस पे जंप कर जाएं कि अभी हम लोग पहली बार में इस शेप को ड्रॉ कर लें, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ पर इस पूरे लॉजिक को समझने के लिए हम लोग एकदम बिगिनर लेवल से, यानी एकदम आसान से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपने पैटर्न को टफ करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हम पैटर्न बनाते हैं, वो बनाते हैं ये स्टार प्रिंट कराना, एक स्क्वायर शेप, ये बहुत इजी है, हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे। ये हो गया, और धीरे धीरे हम लोग अपने जितने भी हमारे जो लेवल हैं पैटर्न के, और हम लोग टफ करते जाएंगे। लेकिन हाँ, इस पे हम लोग 2 से 3 दिन के ही क्लासेस रहेंगे हमारे, मे बी पॉसिबिलिटी कल ही हम लोग के क्लासेस खत्म हो जाएं, कोशिश करूंगा मैं। तो ये पूरा एक शेप बन गया, अब इस शेप को मुझे प्रिंट कराना है। अब इस शेप को प्रिंट कराने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, जरा सा आप सोचिए। आप देखिए एक स्टार है, ये यहाँ पर 5 बार प्रिंट हुआ है, 5 टाइम्स, और ये एक रो है पूरी, आप ऐसे ज़ूम करिए, पूरी एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, और ये पांचवी रो है, टोटल 5 रो हैं। अच्छा, स्टार कितने प्रिंट हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये आप इसको कॉलम में जूम कर लीजिए, मतलब ये और ये और ये पूरा एक कॉलम। इसको मैं ऐसे बताता हूं, ठीक है, इसको मैं आप ऐसे इसको एज्यूम कर लीजिए कि मतलब ये पूरा कॉलम कॉलम टाइप का है, ये टोटल 5 कॉलम है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैंने लूप की नेस्टिंग पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो हम लोगों का आउटर लूप होता है, जो हम लोगों का आउटर लूप होता है, ये क्या प्रिंट करता है, और एक हम लोगों का इनर लूप होता है, ऐसे नेस्टिंग हमने बताया था आपको। तो आउटर लूप क्या प्रिंट करेगा, आप लोग लग रहा है भूल गए हैं, आउटर लूप हमारा रो को प्रिंट करता है, और इनर लूप रिस्पॉन्सिबल होता है कॉलम के लिए, ठीक है। यानी ये पूरी एक रो प्रिंट करने के लिए हमें आउटर लूप को चलाना होगा।
और इसके अंदर ये जो 5 स्टार 5 स्टार ये प्रिंट हो रहे हैं, इसके लिए मुझे इनर लूप को चलाना होगा, यानी इनर लूप रिस्पॉन्सिबल है कॉलम के लिए, आउटर लूप रिस्पॉन्सिबल है रो के लिए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। आउटर लूप हमारा रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनर लूप कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ये दो बातें तो हमने समझ ली, आउटर और इनर लूप, दो लूप हमें लगाने हैं। अब हमें देखिए, किसी भी पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हमें तीन बातें पता होनी चाहिए। अगर वो तीन बातें हमें पता है तभी हम उस पर कोई लॉजिक बना पाएंगे। तो पहली बात क्या है कि हमारा जो आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, नंबर ऑफ आउटर लूप रन। ठीक, आउटर लूप हमारा कितनी बार चलेगा। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इनर लूप रन, इनर लूप हमारा कितनी बार चलेगा। और तीसरा, व्हाट टू प्रिंट, हमें प्रिंट क्या करना है, ये भी हमें तो पता होना चाहिए ना। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हमें ये पता है कि हम लोगों को कोई भी शेप प्रिंट करने के लिए हमें दो लूप की आवश्यकता होगी, जिसमें आउटर लूप हमारा रो को कंट्रोल करेगा, इनर लूप हमारा कॉलम को कंट्रोल करेगा। और एक हमें और बात जानकारी होनी चाहिए, व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि हमें स्टार प्रिंट करना है, या कोई नंबर प्रिंट करना है, या कोई अल्फाबेट प्रिंट करना है। तो ये तीन बातें हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए। अब जब ये तीनों बातें हमें मालूम हो गई, तो ये बताइए कि हमारा आउटर लूप इस प्रोग्राम में कितनी बार चलेगा, इस शेप को प्रिंट करने के लिए आउटर लूप कितनी बार चलेगा। सर 5 बार। ठीक, और इनर लूप वो भी 5 बार लूप ही भी हमारा चल 5 बार चलेगा। ये दोनों 5 5 बार अभी चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सेफ है, लेकिन चूंकि हम लोग को शुरुआत करनी है अभी एकदम इजी से, तभी तो हम, अगर पहले ही हम लोग हार्ड से उठा लेंगे तो फिर उसका लॉजिक बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें पता होगी, तो हमें ये लूप 5 बार चलाना है और ये वाला लूप भी हमें 5 बार चलाना है। प्रिंट क्या करना है, एक स्टार एस्ट्रिक का सिंबल। अब हम अपने प्रोग्राम में आते हैं, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप बनाता हूँ और सिंपली मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ इंट आई और उसमें असाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसके पहले, असाइन करने के पहले एक बात और मैं मुझे आप बताइए, ये जो लूप चलेगा हमारा 5 बार, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम दे सकते हैं 5 बार चलाने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है 5 बार चलने की। आई को मैं कहां से स्टार्ट करूं और कहां तक चलाऊं, ये बताइए आप। सर 1 से लेकर 5 तक। ठीक, एक पॉसिबिलिटीज है, हम लोग 1 से लेकर के 5 तक चला सकते हैं। कोई और पॉसिबिलिटीज है, नहीं सर इसमें तो नहीं। और है? नहीं, है पॉसिबिलिटीज। आप लोग देखिए, सोचिए, हमें लूप को 5 ही बार चलाना है बस। तो हम इसको अगर आई की वैल्यू 0 रख दें, तो 0 से 4 तक तो चला सकते हैं, वही तो 5 बार ही चलेगा। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटीज है, 5 माइनस 1, ये भी तो है, 5 से लेकर के 1 तक तो चला सकते हैं, 5 माइनस 1 नहीं, सॉरी, 5 से लेकर 1 तक, ये भी चल सकता है। अच्छा, एक और हम लोग सोच सकते हैं, 4 से लेकर के 0 तक। तो देखिए, ये जितना अभी मैंने बताया इन सब का आगे हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अभी इतने मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको समझना बहुत आसान है, यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। और मैं पैटर्न वाले पे देखिए बहुत जोर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर शुभम जी, जी सर अक्सर आप ये आप कहते थे कि सर लॉजिक नहीं बनती है, तो ये जान यस जाइए कि सर पैटर्न पैटर्न अगर आप अच्छे से पूरा समझ गए, 2 दिन का क्लास है, तो लॉजिक वाली आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जहां तक मेरी पूरी कोशिश है। क्योंकि जी तो सर इसमें सारी लॉजिक बहुत अजीब अजीब लॉजिक बनेंगी, सोचना खुद को है, कोई फिक्स है नहीं कि हम क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि इसको हम लोग बहुत तरह से प्रिंट कर सकते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, तो कभी आप ये ना सोचिएगा कि ये हम एक ही लॉजिक से क्यों कर रहे हैं। जी सर अभी ये देखिए पॉसिबिलिटीज हैं,
जो हमारा लूप चलेगा, वन से फाइव तक हम ले जा सकते हैं, जीरो से फोर तक ले जा सकते हैं, फाइव से वन तक ला सकते हैं, जीरो से सॉरी फोर से जीरो तक ला सकते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, सेम पॉसिबिलिटीज इसके वाले इस लूप के लिए भी हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे सेम हैं। तो अब हमें देखिए सब कुछ पता चल गया, लूप हमारा पांच बार चलेगा, ये भी इनर लूप भी पांच बार चलेगा, एस्ट्रिक को प्रिंट करना है। पॉसिबिलिटीज हम इसको वन टू फाइव भी चला सकते हैं, जीरो टू फोर भी चला सकते हैं, फाइव टू वन भी चला सकते हैं, और फोर टू जीरो भी चला सकते हैं। तो हम लोग पहले इजी वाला उठाएंगे, वन टू फाइव, ठीक है। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट वही आना है। देखिए आप इसे भी ले सकते हैं, तो हम लोग लेंगे भी वन टू फाइव क्योंकि ये बहुत इजी है। चलिए तो आई की वैल्यू मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, आउटर लूप की वन से। देखिए हम लोग ये आउटर लूप अभी कर रहे हैं, या आउटर लूप छोड़ दीजिए, अभी अभी हम लोग बस एक लाइन ये स्टार प्रिंट कराएंगे ऊपर वाला, ये पूरी रो नहीं। तो मैं इसको जे बनाता हूँ, इंट जे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और मुझे जे को कहाँ तक चलाना है, जे से लेस देन आर इक्वल टू फाइव और जे प्लस प्लस, ठीक। मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है स्टार को, तो मैं प्रिंटअप में बस क्या लिखूंगा, एक सिंबल स्टार का और सेमी कोलन। ये पूरा जब कोड चलेगा, ध्यान से देख लीजिए, एक लूप लगाया है, उसमें मैंने जे की वैल्यू वन इनिशियलाइज की है, जे को हमने चलाया है फाइव टाइम्स, फाइव तक, और जे प्लस प्लस किया है, यानी कि हमने कौन वाला मेथड यूज किया है, वन टू फाइव वाला, ठीक। तो ये हमारा स्टार ये प्रिंट हो जाएगा कितनी बार, पांच बार स्क्रीन पे, देखिए। थोड़ा सा जूम ऑप्शन मुझे ऑन करना होगा, तो मैं थोड़ा जूम ऑप्शन पहले ऑन कर देता हूँ। चलिए अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ रन करके। देखिए अब स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है फाइव स्टार, ठीक, यानी कि हमने ये पूरा एक कॉलम प्रिंट कर लिया है। और कभी भी आप जब भी प्रिंट करेंगे तो आप पहले एक रो को ही प्रिंट करेंगे, यानी आपका जो प्रिंटिंग फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा, पहले एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, और पहली रो के जितने कॉलम होंगे वो एक बार में प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले, आपका जो अप्रोच है वो इस तरह से हो कि एक स्टार ऐसे करा लिया, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, ये अप्रोच कभी भी नहीं होगी। फिर एक हमने यहाँ प्रिंट करा लिया, फिर एक यहाँ, इस तरह से कभी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। रो वाइज होनी चाहिए आपकी अप्रोच, पहली रो उसका पहला कॉलम, पहली रो उसका दूसरा कॉलम, देखिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, और पहली रो पांचवा कॉलम। तो चूंकि हमें एक ही लाइन हमने यहाँ प्रिंट कराया था, इसलिए हमें रो का कोई यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसी कोड को, ठीक, अगर मैं एक फॉर लूप के अंदर लिख दूं, ठीक, तो यहाँ इसका पहले मैं ब्लॉक बना देता हूँ। ब्लॉक अब हमेशा बना के चलिएगा, जब भी पैटर्न प्रिंट कराइएगा तो ब्लॉक बना लीजिएगा, ये आपको आसान रहेगा। इस पूरे कोड को मैं एक फॉर लूप के अंदर रख देता हूँ, एक फॉर लूप में और बनाता हूँ, ये हमारा आउटर फॉर लूप होगा। अच्छा, यहाँ पर इंट आई, और आई की वैल्यू में रख देता हूँ वन, आई को चलाता हूँ कब तक, आई लेस देन इक्वल फाइव तक, और आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा, ठीक। और इसका ब्लॉक बना देता हूँ, इस आउटर लूप के अंदर इस इनर लूप को मैं रख देता हूँ, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सही कर दूं, ठीक। देखिए अब ये पूरा कोड मेरा बन चुका है, अब ये पूरी हमारी पूरा ये पांच लाइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब ये पूरा हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी ये किसमें कमी है, कमी जानते हैं क्या है, ये सब एक लाइन में आएगा,
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पहले, फिर कोड को भी अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सारा का सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, हमें तो ऐसे नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था। अब इस कोड को देखिए समझिए, जब ये लूप चला तो i की वैल्यू, i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ और i में 1 इनिशियलाइज भी हो गया। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, i की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई आउटर लूप की, तो कंट्रोल हमारा यहां से इस लूप के अंदर आ गया। अंदर आते ही इसे फिर एक लूप मिल गया, j नाम का वेरिएबल यहां डिक्लेयर हमने किया है और उसमें 1 इनिशियलाइज भी कर दिया। अब ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होते ही ये जो है प्रिंटअप चल जाएगा और स्टार एक प्रिंट हो गया। इसके बाद कंट्रोल गया जे प्लस प्लस के पास, जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2 और फिर कंडीशन चेक होगी, इस बार है 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर कंट्रोल वापस इस प्रिंटअप के पास आया और स्टार प्रिंट किया दूसरा। इसी तरह कंटिन्यू होते होते ये 5 स्टार प्रिंट किया। ठीक, जब ये 5 स्टार को टोटल प्रिंट कर लेता है तब जब आई की वैल्यू 6 हो जाती, सॉरी जे की वैल्यू 6 हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब यहां पर इस कर्ली ब्रेसेस के ऊपर और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में। ठीक, और यहां के बाद कंट्रोल ट्रांसफर होता है कहां पर, आई प्लस प्लस पे। लेकिन मुझे क्या करना था, जब ये पूरा एक बार लूप चल जाए, 5 बार स्टार प्रिंट हो गया तो लाइन चेंज हो जानी चाहिए। ठीक, तो मुझे ये इनर लूप और आउटर लूप दोनों के बीच में एक मुझे न्यू लाइन का ऑप्शन लिखना होगा, यानी एक प्रिंटअप यहां पर मैं लिख दूं अगर, और यहां पर मैं लगा दूं न्यू लाइन स्लैश एन। ठीक, मैंने यहां लगा दिया न्यू लाइन, तो मैं बिल्ड एंड रन कर देता हूं इसे। अब देखिए ये पूरा हमारा सेप वही प्रिंट हो गया, पूरा पूरा सेप आ गया ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये कुछ पॉसिबिलिटीज लिखी थी, 0 to 4 भी चला सकते हैं, 5 to 1 भी चला सकते हैं और 4 to 0 भी। तो अगर मैं j की वैल्यू को 0 कर देता हूँ और इसको 4 तक चलाता हूँ तो हमारे प्रोग्राम पे कोई फर्क, i की वैल्यू को भी मैं 0 कर देता हूँ, इसे भी 4 तक चलाता हूँ तो हमारे प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये सिर्फ प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं i की वैल्यू को 5 कर दूं, ठीक, इसको 1 तक चलाऊं और j की वैल्यू को भी मैं 5 कर दूं, देखिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखा रहा हूं, और 4 की जगह मैं 1 कर दूं, तो अब यहां पर मुझे चेंजेस करने होंगे, मुझे i की वैल्यू जो i प्लस प्लस इसे क्या करना होगा, i माइनस माइनस करना होगा और j भी माइनस माइनस करना होगा, डिक्रीमेंट करने होंगे। अब उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको बिल्ड एंड रन करके। ये क्या मिस हो गया, ये लेस देन मैंने लगा दिया, ग्रेटर देन होगा ना, नहीं नहीं ऑपरेटर्स भी चेंज होंगे। यहाँ देखिए ये लेस देन पे ही है, ये तो कंडीशन ही फॉल्स होगी ना, आई की वैल्यू 5 है, यहाँ मैंने जो कंडीशन लगाई है आई लेस देन इक्वल 1 कि आई जब 1 से छोटा हो, ये तो कंडीशन पहली बार ही फॉल्स हो गई तो लूप चलेगा ही नहीं एक बार भी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, आई ग्रेटर देन और जे ग्रेटर देन करना होगा जब मैं 5 to 1 चलाऊंगा। अब ये परफेक्ट हो गया, देखिए ये सेप पूरा प्रिंट हो गया। ठीक, एक और हमारी पॉसिबिलिटीज थी क्या, 4 to 0 भी हम चला सकते थे, चलिए इसको भी देखते हैं। आई की वैल्यू मैं 4 कर दूं, जे की वैल्यू मैं 4 कर दूं और इसको मैं 0 कर दूं, बस मुझे 0 तक ले आना है। बस एक बार मैं बिल्ड एंड रन कर देता हूं और देखिए अभी भी ये सेप पूरा प्रिंट हो रहा है। तो अभी देखिए मैंने बहुत सिंपल सेप इसलिए लिया था ताकि आप इसको समझ सकें। और अब अगर हम लोग बात करें तो अब कुछ हम लोग इस सेप में चेंजेस करते हैं, ठीक है, और सेप में जो हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस होंगे हमारे, अब स्टार की जगह पे मैं कुछ और प्रिंट करा के आपको चेक कराता हूँ। और इस सेप को मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ, इसकी हमें अब कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रोग्राम समझ में आ गया आपको,
और वापस से मैं इसे फिर से कर देता हूँ 1 to 5, क्योंकि इजी वाला रहेगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो मुझे इसे लेस देन करना होगा और 0 की जगह मुझे करना होगा 5 और i++ करना होगा। आप कोई भी मेथड यूज देखिए कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। इसको मैं लेस देन कर दे रहा हूँ और इसको मैं j++ कर दे रहा हूँ अब। और एक बार पहले मैं बिल्ड रन कर देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सही है, ठीक, परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ प्रिंट कराते हैं। अगर मुझे प्रिंट कराना हो, लेट्स वन 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 और वन और वन, इसके बाद मुझे प्रिंट कराना हो टू 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 और टू, इसके बाद प्रिंट कराना थ्री 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 और थ्री, इसके बाद मुझे फोर 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 और फोर, इसके बाद मुझे फाइव 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 फाइव, मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट कराना है। अब ये देखिए, ये तो स्टार तो है नहीं, तो फिर वही हम लोग तीन बातें ध्यान रखेंगे। हमारा आउटर लूप चलना कितने टाइम चाहिए, टोटल कितनी रो है, टोटल यहाँ पर देखिए 5 रो है, नंबर देखिए यहाँ पर को पता चल गया 5 रोज। अच्छा, जब टोटल 5 रो है, कॉलम कितने हैं, कॉलम भी देखिए 1 2 3 4 और 5। अभी हम लोग इसी शेप को लेकर चलेंगे 5 to 5 को ही, बाद में इसको हम लोग यूजर से भी इंटर कराएंगे, तो ये 5 है। अच्छा, अब प्रिंट क्या होगा, व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट होगा आप कोई नंबर। अब नंबर देखिए, मैं यहाँ पर क्या लिखूं, वन भी प्रिंट हो रहा है, टू भी हो रहा है, थ्री भी हो रहा है, फोर भी हो रहा है, फाइव भी हो रहा है, तो लिखूं क्या, तो ये तो कुछ नंबर प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पर मुझे, मैं स्टार नहीं लिख सकता हूँ, मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो, कभी वो वन रहे। हाँ बताइए, नंबर जो आप एन रख सकते, देखिए एन तो अभी यूजर से जब हम लेंगे तब ना रखेंगे, अभी हम लोग इसी लॉजिक को ही देख रहे हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम में मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, ये जो कोड मैंने लिखा है इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा बस ये जो स्टार है इसकी जगह पे मैं चेंजेस करूंगा, और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ अभी स्क्वायर पे, ये सब बहुत सिंपल है। देखिए, अगर हो सकता है आप लोगों को पता हो तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना इजी क्यों बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमें यहीं से करनी थी क्योंकि हमें सारा समझना है। तो ये लूप वाला लॉजिक तो समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट है किसी को, पहले ये बताइए। देखिए सभी लोग माइक थोड़ा अनम्यूट करके बता दीजिए, क्योंकि अब इसी में मैं बहुत लॉजिक चेंज करूंगा इसी पूरे को। कोई डाउट नहीं ना है? जो सर, अब पूरे कोड को बहुत ध्यान से देखिए। ये पहली लाइन जो है, आई की वैल्यू मैंने क्या रखी है लूप में, देखिए पहले लूप में पहला, ये इसके आगे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ आउटर लूप, और इसके आगे मैं फिर डैश करके लिख देता हूँ रो, ये रो प्रिंट करेगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनर लूप, और ये हमारा कॉलम को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा आउटर लूप है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस लूप की। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 1 है, अगर ये आई की वैल्यू 1 है तो पहली बार ये लूप कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल हमारा इस लूप के पास आएगा, और हम चाहते हैं कि जो ये स्टार प्रिंट कर रहा था, स्टार की जगह स्टार ना प्रिंट करके पहली बार में क्या प्रिंट कर दे, 1 1 1 1 1, पहली बार में ये प्रिंट कर दे। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी जगह मैं लिख दूं अगर परसेंट डी, और ध्यान से एक चीज देखिए, ये हमारा है क्या, 1 1 आई की वैल्यू है, देखिए 1 क्या है, आई की वैल्यू है, जब पहली बार ये लूप चला और ये सर, कंडीशन ट्रू हुई, परसेंट डी दे करके फिर कॉमा करके वो ए वन से लेके लिखना होगा नंबर प्रिंट प्रिंट नहीं नहीं देखिए ये पूरा दोनों लूप आपको समझ में आ गया, अभी एकदम दोनों लूप समझ में आ गया अच्छे से। अब ऊपर यहाँ पर आइए, देखिए मैंने तीन बातें आपको बताई थी कि जब भी आपको पैटर्न प्रिंट करना हो तो आपको ये तीन बातें हमेशा अपने माइंड में लाइएगा, आउटर लूप चलना कितनी बार है, इनर लूप कितनी बार चलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को सेम रखा है 5 5, लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है आउटर लूप हमारा 3 बार चले, इनर लूप हमारा 10 बार चल जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी उस तरह से अगर मैं चलाऊंगा तो आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, देखिए आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं, 5 रो है और रो है तो ये आउटर लूप है, और 5 कॉलम है
तो ये हमारा इनर लूप है, ये दोनों पांच पांच है, क्लियर। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, तो प्रिंट हमें स्टार नहीं कराना है, हमें कोई नंबर प्रिंट कराने हैं, डिजिट, और ये डिजिट हमेशा चेंज हो रहे हैं। तो इस डिजिट को प्रिंट कराने के लिए हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो कि हर बार चेंज हो। अब देखिए पूरा कोड ये लूप का वही रहेगा, न्यू लाइन भी वैसे ही रहेगी, बस जहां पर हमने स्टार लिखा था वहां पर हम क्या लिख दिए हैं, परसेंट डी, ठीक, बात समझ में आई आपको। और अब इस लूप को अगर ध्यान से देखिए, एक बार मैं इसका आपको डिटेल समझाता हूँ। आई की वैल्यू 1 है पहली बार आउटर लूप में, कंडीशन चेक होगी और ये लूप कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल हमारा इस लूप में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन 5, यानी ये इनर वाला लूप 5 बार चलेगा, ठीक। तो 5 बार जब चलेगा तो परसेंट डी की जगह पे अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा दूं, आई की वैल्यू अभी देखिए है क्या, आई की वैल्यू 1 है, अगर मैं यहां पर आई की वैल्यू प्रिंट करा दूं तो जब ये पहली बार लूप चलेगा तो 5 बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट कहीं नहीं हो रही है, इस लूप की मैं बात कर रहा हूं, इनर लूप की, इसके अंदर हम आई की वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं। जब दूसरी बार ये लूप चलेगा फिर आई की वैल्यू 2 हो गई रहेगी, फिर 5 बार 2 प्रिंट हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूं, यहां पर चेंजेस करने के बाद आपको समझ गया, मैं बस यहां लिख देता हूं आई। देखिए यहां पर पहले मैंने क्या लिखा था, स्टार, अब क्या लिख दिया, परसेंट डी और आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब पूरा कोड मैं आपको एक बार बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूं, देखिए क्या प्रिंट हो गया, 5 बार 1, 5 बार 2, 5 बार 3, 5 बार 4 और 5 बार 5। अच्छा ये बहुत सटा हुआ लग रहा है आपको, बीच में कुछ गैप नहीं है, तो गैप करने के लिए आप क्या करो, ये जो परसेंट डी है या तो इसके पहले या तो बाद में एक स्पेस दे दो इस तरह से, अब ये बीच में आपको गैप भी मिल जाएगा। देखिए अब ये थोड़ा सही लगने लगा, सेम पैटर्न प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। सर टैब कब देते हैं? टैब आपको जब जरूरत, अगर आप यहाँ टैब देना चाहते हो तो आप टैब दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कब दोगे, क्योंकि जैसे देखिए प्रोग्राम में हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें थोड़ा सा स्पेस देना है तो हम एक स्पेस से काम चला लेंगे, अगर हमें उसको कॉलम वाइज जैसे टेबल वाले फॉर्मेट में लाना है तो वहां पर हम टैब यूज करेंगे, ये फॉर्मेटिंग के लिए सब चीजें होती हैं, अब जैसे आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वैसे यूज करिए। तो ये से पूरा हमारा प्रिंट हो गया। अच्छा एक बात आपको और ध्यान देना है, वो बात ये है कि आउटर लूप की कंडीशन अगर एक बार ट्रू होगी तो इनर लूप अपना पूरा चलेगा 5 बार, बात समझ में आई, आउटर लूप की हर एक पॉसिबिलिटी के लिए इनर लूप पूरा चलता है। आई की वैल्यू जब 1 थी तो इनर लूप कितनी बार चला है, 5 बार, तभी तो ये 5 1 प्रिंट हुए हैं। आई की वैल्यू जब 2 हो गई तो इनर लूप कितनी बार चला है, 5 बार, तभी तो ये 5 बार 2 प्रिंट हुआ, यानी कि आउटर लूप की हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप अपनी पूरी लाइफ चलेगा, जितना उसके हमने कंडीशन सेट की होगी वो उतनी बार वो रन करेगा। तो ये चीज समझ में आई आपको कि हम स्टार की जगह चाहे तो यहाँ स्टार प्रिंट करा ले, स्टार प्रिंट कराना है तो यहां से आई हटा दीजिए, परसेंट डी की जगह स्टार लगा दीजिए, ठीक। अच्छा आई की जगह पे अगर देखिए एक चीज और हम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं स्टार ही प्रिंट कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई सिंबल दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर दे दिया इक्वल या प्लस का सिंबल दे दिया, अब मैंने जब वहां प्लस लिख दिया ये प्लस का सिंबल प्रिंट हो जाएगा, देखिए ये पूरा प्लस का सिंबल प्रिंट हो गया। तो अब जो ही प्रिंट कराना चाहें, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3 बातें, नंबर ऑफ आउटर लूप, इनर लूप और व्हाट टू प्रिंट, ठीक। थोड़ा सा अब हम लोग शेप को चेंज करते हैं, इस बार मुझे प्रिंट कराना है ये नहीं कराना है, इस बार मुझे प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 और 5, एक बार और 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये टोटल 5 बार मुझे प्रिंट कराने हैं।
देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो गए। पहले हमें क्या प्रिंट कराना था, वन 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 रो वाइज, फिर हमें टू प्रिंट कराना था, फिर थ्री कराना था, फिर फोर। अब हमने क्या कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव कर दिया। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव के लिए जानते हैं क्या है, एकदम सिंपल लॉजिक। उस बार हमने आई की वैल्यू प्रिंट कराई थी, इस बार हम जे की वैल्यू प्रिंट करा दें। यानी सिंपल यहां पर हम लोग लिख दें परसेंट डी और बस यहां लिख दें जे, और ये सेप तैयार हो गया हमारा। देखिए ये एरर आ गई। अच्छा ये मैंने कॉमा नहीं लगाया है। ओके ये देखिए सेप हमारा चेंज हो गया, जो अंदर प्रिंट होना था सेप नहीं चेंज हुआ है, सेप का जो डिजिट था वो चेंज हो गया। तो ये तीन तरह के पैटर्न अभी हम लोगों ने देखे, स्टार रो वाइज और कॉलम वाइज। आई की वैल्यू जब हम प्रिंट करा देंगे तो हमें ये वाला सेप मिल जा रहा था, जब हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे तो हमें रो वाइज मिल रही थी वैल्यू, जब हम जे की वैल्यू प्रिंट करा दी थी तो हमें देखिए हमें इस तरह से मिलने लगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहे हैं, और स्टार तो आप जान ही रहे कि स्टार तो वो हमारा एक सिंबल है, उसे जैसे चाहे वैसे प्रिंट करा दें। तो कुछ समझ में आया शुभम जी आपको, निकेत जी? मतलब जी सर, हमने लूप तो यस देखिए नहीं चेंज किया है, लूप हमारा चेंज कहीं पर नहीं हो रहा है, हम बस ये प्रिंट क्या कराना है इसको चेंजेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को। हो सकता है पहली बार में ना आए, लेकिन एक दो बार आप लोग उसको समझिएगा, बहुत इजी है, अगर समझ में आ गया तो फिर आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये तीन तरह के से प्रिंट करा लिए हैं। अब हम लोग जो देखेंगे मेनली हम लोग अल्फाबेट भी देख लेते हैं, या अल्फाबेट जो है एक तरीका और होता है सेप का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो मेथड कौन सा सेप, चलिए मैं चेंजेस करता हूँ यहीं पर। अब ये देखिए आप लोग बताइएगा, मुझे इस बार प्रिंट करना है फाइव 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 फाइव, फिर फोर 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 फोर, फिर थ्री 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 थ्री, फिर टू 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 टू, और फिर वन 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 और वन, और एक इसके साथ मैं सेफ और तैयार करता हूँ, फाइव फोर थ्री टू वन, फिर फाइव फोर थ्री टू वन, फिर फाइव फोर थ्री टू वन, फाइव फोर थ्री टू वन, और फाइव फोर थ्री टू वन। ये दो सेफ हैं दोनों। अब ये दोनों बताइए कि इन दोनों को हम लोग को प्रिंट कैसे कराएंगे, थोड़ा सा सोचिए अच्छे से। पहले वाले के आई की वैल्यू सर फाइव हो जाएगा, फिर फिर उसमें होगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक, सही पकड़ा आप लोगों ने। हाँ सर, और इस आप ये बार जान रहे हैं, हाँ, जब हमें रो वाइज प्रिंट कराना है तो हम आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, और जब हमें यस सर, कॉलम वाइज प्रिंट करना है तो जे की, एकदम सिंपल यस लॉजिक। सर, बस मैं इसे फाइव यस से सर, स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर ग्रेटर देन कर देता हूँ कि आई ग्रेटर देन वन, आई माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर जे को मैं फाइव से स्टार्ट कर देता हूँ। या अगर मैं जे की वैल्यू अभी नहीं भी चेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों? सर क्योंकि हम लोग यहाँ क्योंकि आई की वैल्यू, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ना, जे तो हमारा पांच बार चली जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट हो रहा है पैटर्न, इसके लिए आई रिस्पॉन्सिबल है, आई की जिम्मेदारी है कि वो कैसे चेंजेस होगा। जे तो केवल काउंट कर देगा कॉलम को। यहाँ पर देखिए बिल्ड एंड रन करता हूं मैं, देखिए ये सिर्फ वही प्रिंट हो गया, फाइव फाइव फोर फोर थ्री थ्री टू टू वन वन। ठीक, अच्छा अब मैं चाहूँ तो जे को भी ये वाला सेप भी प्रिंट करा दूँ, तो यहाँ मैं फाइव लिख दूँ और इसको मैं कर दूँ ग्रेटर देन, जे ग्रेटर देन, और यहाँ मैं कर दूँ वन, जे माइनस माइनस, फिर
इस बार मैं जे की वैल्यू अगर प्रिंट करा दूं यहाँ, तो जब देखिए मैं जे की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो जे की वैल्यू के लिए आई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अभी ऐसे समझिए आप इस शेप में, लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, आई और जे ही मिल करके तय करेंगे कि कहां पर प्रिंट होगा, अभी फिलहाल में ऐसा नहीं हो रहा है हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इंटरनली अगर मैं डिटेल में अगर ले जाऊंगा तो ऐसा हो रहा है, ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए क्या प्रिंट हो गया, 5 4 3 2 1, ठीक। तो ये सेप तो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, ये जो हमने जे की वैल्यू प्रिंट कराई है तो जे की वैल्यू के लिए कहीं से बताइए कि आई रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, जे के वैल्यू के लिए आई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि अल्फाबेट को भी देख लेते हैं, ठीक है, इसी पर अल्फाबेट्स को भी समझ लिया जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर पूरा कोड हमें चेंज करना हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सेव थोड़ा करते हैं, चेंज इसको मैं कर दूं, चेंजेस। तो चेंजेस के लिए जो अल्फाबेट हमारा प्रिंट होगा, अगर मैं इसी जगह थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, ए ए प्रिंट हो और फिर ए फिर ए फिर ए, ठीक, और इसके बाद फिर भी और भी एक बार और, ठीक, सी 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 फिर डी 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 फिर ई ई ई ई और ई, ठीक। एक तो हमारा ये सेफ हो गया, देखिए सारे पैटर्न हम लोग के वही हैं, बस समझना थोड़ा सा आपको है। और इसके बाद मैं एक और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक। ये दो सेप हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। अब इन दोनों सेप को आपको देख कर लग रहा होगा अभी जैसे हम लोगों ने 1 2 प्रिंट कराया था सेम है, सेप तो वैसे ही ना, इस सेप में तुम्हारे कोई फर्क नहीं है। सर पहला वाला तो आई पर रिस्पांसिबल है, आई पर रिस्पांसिबल है, लेकिन अब थोड़ा सा देखिए ये चीज तो हम लोग समझ गए हैं कि पॉसिबिलिटीज इन्हीं में से कोई एक होंगी हमारी लूप चलने की अभी, तो क्योंकि हम लोग तो लूप को चेंजेस कर नहीं रहे कोई कंडीशन वहां पर। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा पहले तो स्टार था बहुत सिंपल था, फिर नंबर आ गया डिजिट्स, अब क्या आ गया अल्फाबेट, ठीक है। तो अब जो ये अल्फाबेट्स है अब हमें इसे प्रिंट कराना है, तो अब ये लूप चलना कितनी बार चाहिए अब ये बताइए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आप दिमाग अगर लगाएंगे तो ये आप पकड़ लेंगे इस प्रॉब्लम्स को। 5 टाइम ही चलेगा ना, 5 टाइम्स तो चल ही रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। आई बता रहे हैं 1 से चलेगा 5 तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तक, तो आई किस, अगर हम आई लिखेंगे तो ये कहाँ प्रिंट होगा, आई लिखने पर तो ये नहीं प्रिंट होगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखिए इसको इसको मेथड को यूज करने का बहुत तरीका है ना, लेकिन हम लोगों को जो समझ में आता है इजी वाला देखते हैं, हो सकता है वो टफ वाला ना हो जाए। एकदम पहले देखिए ना ये लूप चलना है हमारा, आउटर लूप कहाँ चलेगा, अगर मैं कह दूं ए टू ई चलेगा, ऐसे समझ लो आप लोग, ए से लेकर के ई तक चलेगा, इनर लूप भी हमारा कहाँ तक चलेगा, ए से लेकर के ई तक चलेगा, हम इसको भी ऐसे समझते हैं, देखिए समझने के लिए। अच्छा एक बात अब और मैं आपको बताऊं कि शुरू से मैं कहता चला आया हूँ कि कंपाइलर हमारे ए बी सी डी को नहीं जानता है, वो जानता है उसकी आस्की वैल्यू को, याद है आप लोगों को, ये बात मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ,
कि कभी भी आप ये यस मत सर, सोचिएगा कि किसी वेरिएबल के अंदर जाकर के ए स्टोर होता है, किसी वेरिएबल के अंदर जाकर के बी स्टोर होता है। वहां ए भी नहीं स्टोर होता, वहां ए और बी की आस्की वैल्यू स्टोर होती है। ठीक, ए की आस्की वैल्यू कैपिटल ए की क्या होती है, इसमें हम बता 65। ठीक, तो ये लूप चलेगा 65 से लेकर के, अब ई की आस्की वैल्यू क्या होगी, 66, 67, 68 और 69 तक, यानी ये चलेगा। आई की वैल्यू 65 से स्टार्ट होगी और 69 तक चलेगी। अब ऐसा देखिए, मैंने क्यों बताया आपको, मैंने इसलिए बताया कि अगर इस 65 को मैं परसेंट सी के फॉर्मेट में प्रिंट करा दूं तो क्या प्रिंट होगा, कैपिटल ए। अगर 65 को मैं परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, कैपिटल ए। 69 को फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके अगर परसेंट सी का यूज करके प्रिंट कराया जाए तो मिलेगा हमें कैपिटल ई। अच्छा, इनर लूप भी हमारा वही चलेगा, 65 to 69। मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गई, मैं डायरेक्टली ए से ई तक भी चला सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर ए से ई तक चलेगा कैसे, हम लूप को ए से स्टार्ट करेंगे ई तक चलाएंगे, कंडीशन में ए और ई ही लिखेंगे हम। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है नया हो आपके लिए, लेकिन हमारा लूप ए से ई तक चलेगा। और अगर आपको ये समझने में ए से ई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 65 से 69 चला दीजिए, उसकी आस्की वैल्यू। अच्छा, जब आई प्लस प्लस आप करेंगे तो 65 से क्या हो जाएगा, 66, जो कि बी को प्रिंट कर देगा, 67 जो कि सी को, 68 जो कि डी को, और 69 जो कि ई को। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जी सर। थोड़ा सा जब, हाँ, जब अल्फाबेट्स आता है ना तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होता है उसकी आस्की वैल्यू को। स्टार में और नंबर में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अल्फाबेट्स में थोड़ी सी इशू आती है। तो यहाँ जो ये 5 है, अगर मैं यहाँ लिख दूं मुझे ए तक चलाना है, अब ए लिखने के लिए पता है आपको कि सिंगल कोट्स में अगर मैंने लिख दिया ए, तो आई में मैंने क्या इनिशियलाइज कर दिया, ए। और हम लोग जानते हैं कि आई में ए नहीं इनिशियलाइज हुआ है, आई में क्या इनिशियलाइज हुआ है, आई में इनिशियलाइज हुआ है 65, क्योंकि आई हमारा इन टाइप का है, ध्यान दीजिए। अच्छा, आई को मैं कहां तक चलाता हूं, आई को मैं चलाऊंगा ई तक। ठीक, मैंने लिख दिया यहां पर ही, मतलब आई जब तक हमारा ई से छोटा हो या ई के बराबर हो, तो यहां मैं आई प्लस प्लस कर दूं। अच्छा, जे को मैं कहां तक चलाऊंगा, जे को भी मैं चला दूं वही ए से लेकर के ई तक, जे को भी मैं लेकर के ए से ई तक चला देता हूं। तो यहां पर कंडीशन जे जब तक हमारा ई से छोटा हो, अब देखिए जे हमारा एक वेरिएबल है और ई हमारा एक कांस्टेंट कैरेक्टर है, जे और ई में कंफ्यूज मत होइएगा, या आई और ए में। आई हमारा एक वेरिएबल है जबकि ए हमारा कैपिटल ए कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब ये सब सारी चीजें देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं शुरुआत में, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, और जे प्लस प्लस यहां मैं कर देता हूं। ठीक, तो ये लूप हमारा कब तक चलेगा, आउटर ए से स्टार्ट होगा ई तक चलेगा, इनर ए से स्टार्ट होगा ई तक चलेगा। तो यहां पर मुझे प्रिंट क्या कराना है, परसेंट सी। अच्छा, आई की वैल्यू मैं यहां प्रिंट करा दूं अगर, ठीक, तो जब आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो हम लोग जानते हैं कि हर जगह पे ए प्रिंट हो जाएगा, यानी ये वाला शेप हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आउटर लूप रिस्पॉन्सिबल होता है रो के लिए, रो वाइज हमें यही प्रिंट कराना है। देखिए देखिए, परफेक्ट शेप हमारा वही आ गया, कितना आसान था। हाँ, ये थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए कि लूप को हम लोग ए से लेकर के ई तक चला रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो लूप हमारा ए से ई तक नहीं चल रहा है, इंटरनली चल रहा है 65 से 69 तक। ठीक है, अब अगर हम यहां पर आई के जगह पे जे की वैल्यू लिख देते हैं, बस आई की जगह जे कर देंगे तो हमारा ये वाला शेप आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ए बी सी डी ई, ये वाला भी सेफ आ गया। तो यहां तक तो ये पूरा दोनों से अच्छे से समझ गए आप, जी सर।
चलिए अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करूं। देखिए हम लोगों ने कितना पैटर्न आज सीखा, बहुत कुछ, कम से कम नियर अबाउट 9 या 10 पैटर्न सीख चुके हैं अभी तक। और प्रैक्टिस यदि आप नहीं करेंगे लॉजिक का, देखिए लॉजिक में भी देखिए मैंने, हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे से चेंजेस कर रहे हैं। लूप हमारा वही है स्ट्रक्चर, जरा सा भी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बस कहीं परसेंट सी कहीं परसेंट डी यही सब कर रहे हैं हम लोग। इस बार मुझे प्रिंट कराना है ठीक। तो उल्टा क्या होता है, ए बी सी डी ई डी, और फिर मुझे यहाँ डी प्रिंट कराना है, डी फिर डी फिर डी, सॉरी ए बी सी डी, तो सी कराना है और उसके बाद फिर बी कराना है, फिर बी और एक बार, और ये फिर ए ए ठीक। और इसके बाद एक साथ में और पैटर्न एक तैयार कर देता हूँ इसका, ये पैटर्न होगा ई बी सी बी ए, ई डी सी डी ए, ई डी बी ए और ए डी सी बी और ए ठीक। अब ये दोनों पैटर्न हमें प्रिंट कराने, दोनों पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोगों ने पहले की तरह है। अब ये बताइए कि ये कैसे प्रिंट होगा, ये तो आप लोग बता सकते हैं। यस सर। सर आई का जो है ई से चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए तक, और फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए शुभम जी, ये लॉजिक तो आपको क्लियर हो रही है, और आई यस माइनस सर, माइनस फिर हम कर देंगे ठीक है। अच्छा जे भी अभी वैसे। हम इसमें अगर इसमें हम कोई चेंजेस ना करें, यहाँ आई के वैल्यू को प्रिंट करा दें, तो यस जे तो 5 बार चली रहा है और यस वैल्यू सर, प्रिंट हो रही है चूंकि आई की, तो ये वाला सिर्फ तो प्रिंट हो जाएगा बिना कुछ किए। यस सर, अगर लेकिन हम लोग साथ में जे को भी चेंज कर दे तो ये दोनों एक साथ करा लेते हैं, यस या इसी को मैं एक बार में दिखा देता हूँ। ये चीज तो अब सब सब आप समझ चुके होंगे, इतना हम लोगों ने उसका पैटर्न देख लिया। ये कुछ कंडीशंस हमने मिस कर दिया है, और यहाँ ग्रेटर करना था ना, ये तो यस छोड़ो, यहाँ सर, ग्रेटर देना। देखिए तो शुभम जी, ये तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यस सर, ठीक। और इसको भी हम लोग एक बार प्रिंट करा देते हैं, ई से लेकर के ए तक। यस अच्छा यहाँ पर ई ए की जगह पे आप 65 और 69 भी लिख सकते हैं ठीक है। सर, आज की वैल्यू। मैंने, हाँ आज की वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने ई और ए इसलिए लिख दिया कि ये थोड़ा आप लोगों के लिए एक नया था, आप लोग इस तरह लूप अभी सर नहीं चलाए होंगे, जहां तक हमें आइडिया है कि आप लोगों ने लूप का यूज इस तरह से नहीं किया होगा कि ए से लेकर के ई तक या ई से लेकर के ए तक चलाएं। यहाँ मैं जे कर देता हूँ, अब जे की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा तो ये दूसरा वाला शेप आ गया। देखिए सर, अच्छा जे माइनस माइनस मुझे करना था, मैंने माइनस माइनस किया नहीं है ठीक है, ये इनफिनाइट लूप बन गया, ये मुझे माइनस माइनस करना था, ये मिस था इनर लूप। देखिए थोड़े से हम लोग चेंजेस करके हम लोग शेप पूरा बदल ले रहे हैं ठीक, तो ये भी पूरा शेप हमारा मिल गया। अब बताइए कि शेप आपको ड्रॉ करना कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? अब यस ऐसा सर, तो है नहीं कि अब तो ये डिफिकल्ट लग रहा हो। तो अगर हम लोग अब यहीं पर थोड़ा सा अगर एक चेंजेस करें और आते हैं अब हम लोग अब ट्रायंगल वगैरह पे ठीक है। अब ट्रायंगल पे जब आएंगे तब हम लोगों को कुछ ध्यान देना होगा, तो चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल पे। एक ट्रायंगल से मैं अभी प्रिंट करा ही देता हूँ, और आप लोगों के लिए असाइनमेंट रहेगा बाकी डिजिट से और नंबर से प्रिंट कराने का। तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम लोग, मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, पहले एक स्टार, फिर दो, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच ठीक है। ये हमारा बन गया, हमें ये शेप को प्रिंट कराना है। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो शेप बताऊंगा ये तो बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, लेकिन इसे आप लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा।
और जो दूसरा वाला तरीका है ये थोड़ा सा आपको इस तरह का यूज कर सकते हैं कि कोई भी शेप मिल जाए, जो दूसरा मेथड है जो अभी मैं बाद में बताऊंगा, उससे आपको कोई भी शेप मिल जाएगा, आप उसे ड्रॉ कर लेंगे, प्रिंट करा सकते हैं। तो स्क्वायर वाले के बाद हम लोग आते हैं स्टार पर, सॉरी स्टार शेप पे, मतलब ये ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल शेप है। तो चलिए इसके लिए अब हम लोग इस कोड को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अच्छा पहले हम लोग, अब ये लूप चलेगा कितने टाइम्स, देखिए ये एकदम ध्यान रखिएगा, आपकी ये तीन बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तब तो आपको लॉजिक बनाने में बहुत आसानी होगी। आउटर लूप चलेगा कितने टाइम्स, सर आउटर पांच लूप वन बार, टू फाइव चल फाइव टाइम। क्योंकि पांच रो हैं, एक दो तीन चार और पांच रो, तो ये पांच बार तो ये लूप हमारा चलेगा आउटर। अब इनर लूप कितनी बार चलेगा, कॉलम, तो आप हमेशा मैक्सिमम काउंट करिएगा, ठीक है। ऊपर अगर देखिए तो ऊपर तो केवल कॉलम एक ही बार चलना चाहिए हमारा, एक प्रिंट हुआ स्टार, ठीक। लेकिन नीचे वाले रो में देखिए तो दो बार हो गया है, उसके नीचे तीन बार हो गया, उसके नीचे चार बार, उसके नीचे पांच बार, तो जो भी मैक्सिमम होगा आप उसे काउंट करेंगे कॉलम के लिए। तो मैक्सिमम क्या है इन सब में, फाइव। तो हमेशा रो और कॉलम को आप मैक्सिमम काउंट करिएगा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, चाहे रो में हो या कॉलम में बात हो, दोनों जगह की बात मैं बता रहा हूं। तो ये पांच बार चलेगा हमारा दोनों। अब इन दोनों को देखिए, एक तो बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन वो मेथड आप हर जगह लागू नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोगों ने ये जो बनाया था लॉजिक, इससे हम लोग मल्टीपल से प्रिंट कर ले रहे थे, आपने देखा कि इसमें हम लोग बस यहाँ पर चेंजेस कर रहे थे। तो एक तरीका इसका ये भी है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है आगे चल के जब हम लोग डिफिकल्ट से प्रिंट करेंगे, लेकिन वो इसके लिए तो बहुत आसान है, इस शेप के लिए। तो पहले मैं इसको ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं लूप चलाऊंगा कहाँ से। तो देखिए मैं लूप वन से फाइव तक चला सकता हूँ, ये तो क्लियर है, इस लूप को भी मैं वन से फाइव तक चला सकता हूँ। अच्छा जीरो से फोर तक भी चला सकता हूँ, क्योंकि स्टार हमें प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू तो प्रिंट करानी नहीं है। तो इन इस स्टार के लिए तो आप ये जान जाइए कि हमारे पास चारों पॉसिबिलिटीज हैं, 1 to 5, 0 to 4, 4 to 0, 5 to 1, ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। इन चारों में से मैं किसी को यूज कर दूंगा, क्योंकि यहां पर तो स्टार है, परसेंट डी तो मुझे आई या जे की वैल्यू तो प्रिंट करानी नहीं है। ओके तो मैं 1 to 5 ही चलाता हूँ, आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा समझने में। तो मैं आई की जगह 1 कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 5 और आई प्लस प्लस, इसको मैं कर देता हूँ लेस देन। अब वापस से यहाँ पर भी मुझे, मैं लिख देता हूँ 1, ये हो जाएगा लेस देन, और ये हमारा हो जाएगा 5, और जे माइनस माइनस हो जाएगा जे प्लस प्लस। अच्छा अब यहाँ पर मुझे ये तो प्रिंट कराना नहीं है कोई जे की वैल्यू, और यहाँ पर मैं स्पेस हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक स्टार लिख लगा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा सेफ हमारा बन चुका, सॉरी सेफ नहीं, पूरा प्रोग्राम बन चुका है। एक बार मैं इसे बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ आपको, अभी देखिए इसमें हुआ क्या है, ये देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो पांच बार चलने वाला था ये उससे प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे करना क्या था, मुझे करना यह था कि जब आई की वैल्यू 1 हो, जब ये रो प्रिंट होगा तो उसमें आई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो, तो कॉलम की वैल्यू कितनी हो, वो भी तो 1 ही एक ही बार चले। जब आई की वैल्यू 2 हो तो कॉलम की भी वैल्यू 2 हो, आई की वैल्यू 3 हो तो कॉलम की भी वैल्यू 3 हो, आई की वैल्यू 4 हो तो कॉलम की भी 4, आई की 5 हो तो कॉलम की भी 5, यानी आई की वैल्यू जो है वो कॉलम की वैल्यू है। तो यहाँ जो ये जे लेस देन इक्वल 5 में लिख रहा हूँ, यहाँ अगर मैं आई लिख दूँ, देखिए मैंने क्या किया, बस सिंपली आई लिख दिया, तो ये लूप कब तक चलेगा, अगर आई की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, 1 less than equal 5, कंट्रोल आएगा इस लूप के अंदर, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है और जे नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है इसी लूप के अंदर। अब ये जे देखिए कंडीशन हमने क्या लिखी है, जे लेस देन इक्वल आई, जे हमारा आई से छोटा हो या आई के बराबर हो, जे की वैल्यू क्या है अभी 1, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग, वन आई की भी 1 है, यानी कि ये लूप हमारा बस एक बार चलेगा,
तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया, और दूसरी बार जे की वैल्यू टू हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हम इस इनर लूप से बाहर आ गए। फिर कंट्रोल यहां से एक न्यू लाइन प्रिंट किया और वापस से गया आई प्लस प्लस के पास, आई की वैल्यू टू हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन टू है, वापस हम इनर लूप में आए। फिर यहां पर कंडीशन चेक हुई, जे की वैल्यू देखिए वन है अभी, इनिशियलाइज हमने वन से किया तो वापस से जे की वैल्यू वन हो जाएगी रीसेट, तो ये रीसेट हो गई जे की वैल्यू एक तरह से आप समझिए वन। फिर वन लेस देन इक्वल आई की वैल्यू कितनी है इस बार, टू है, टू। तो आई ये एक स्टार प्रिंट हुआ, वापस से जे प्लस प्लस हुआ और जे की वैल्यू टू ही, तो टू लेस देन इक्वल टू, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, दूसरा स्टार भी प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू थ्री हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक, यानी आई की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू, आई की वैल्यू थ्री, मतलब आई की वैल्यू पे मैंने डिपेंड कर दिया है जे की वैल्यू, मतलब ये इनर लूप हमारा तब चलेगा जब ये आई जितनी आई की वैल्यू होगी। अगर आई की वैल्यू वन है तो इनर लूप हमारा एक बार चलेगा, आई की वैल्यू टू है तो इनर लूप हमारा दो बार चलेगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक था, बस हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया, जो हमने फाइव लिखा था उसको आई कर दिया। अब देखिए देखिए ये से पूरा प्रिंट हो गया, बात समझ में आई आपको, कुछ डिफिकल्ट लगा? नो सर, सही है। सही है, चलिए एक लॉजिक और हम लोग देखते हैं अब इसी शेप को प्रिंट कराने का। वो थोड़ा सा लॉजिक टाइम कंज्यूम करेगा, लगभग 15 से 20 मिनट, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप समझ लीजिए काफी चीजें सीख जाएंगे पैटर्न से। हम लोग इस शेप को जब प्रिंट करा रहे हैं तो शेप हमारा पहले मैं यहाँ एक सिंपली या रफली ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा ही शेप हमें प्रिंट कराना था और ये हमारा हो गया 4 टाइम्स, और 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, ये 5 बार हमने करा लिया, यही शेप हमें प्रिंट कराना था। तो जब भी इस तरह से शेप मिले तो सबसे देखिए आसान तरीका क्या होता है आपको मैं बताऊं, ये थोड़ा सा टफ लगेगा अभी इस शेप के लिए, तो टफ लगेगा क्योंकि हमने भी जो लॉजिक देखी वो बहुत आसान थी। हम इसे रो वाइज में बांट लेते हैं, कुछ इसे इस तरह से बना लो आप, ठीक है, और ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई, ये हमारी तीसरी रो हो गई, और ये हमारी चौथी, और ये लास्ट वाली पांचवी रो हो गई, ये टोटल 5 रो हो गई। इसको हम लोग कॉलम में बांट लेते हैं, तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये हमारा तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहां भी इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये शेप अगर ऐसे हम लोग देखिए, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सेफ हमारा 1 to 5 columns और 1 to 5 rows में है, हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारा स्टार है, आप इस सेफ को देखने पर देखिए, इसमें हम ये जो पूरा लूप हमारा चलेगा, पहली बात कि हम लोग इसे रो को भी 5 times चलाएंगे, कॉलम्स को भी 5 times चलाएंगे, ठीक है, यानी कि अब अभी जो हमने यहाँ पर आई लिखा था, ये आई वाली वैल्यू ये न लिख करके मैं यहाँ लिखूंगा 5, ठीक है, और जब मैं 5 लिख दूंगा तो देखिए क्या हो जा रहा है, ये वाला शेप प्रिंट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों टाइम्स, क्योंकि 5 रो और 5 कॉलम तो है, तो मैं इसमें कोई मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसे चेंजेस नहीं करना चाहता हूं,
अगर मैं इससे चेंजेस कर दूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, तो मैं इसे नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है, तो ये लूप उतने टाइम तो चले ही, मैं क्यों इसे आई लिख करके यहाँ पर मैं इसे डिस्टर्ब करने जाऊँ। तो इसके लिए देखिए ये कॉलम में हम लोग समझ लेते हैं। तो आप इसको अगर जरा ध्यान से देखिए, तो ये लूप अगर जब हम 5 लिखेंगे तो पहली बार तो स्टार प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 4 बार क्या प्रिंट होना चाहिए, स्पेस 4 बार क्या प्रिंट होना चाहिए, स्पेस यहां पर एक बस प्रिंट हो जाए। ठीक, जब दूसरी रो में आए तो 2 बार स्टार प्रिंट हो, लेकिन स्पेस कितना हो, 3। तीन। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लूप जब भी चलेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा, या तो स्टार प्रिंट करेगा या तो स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसको देखिए बहुत अच्छा समझिएगा, क्योंकि यही लूप यही लॉजिक हम लोग हमेशा आगे लगाने वाले हैं। अब तो या तो ये स्टार प्रिंट होना होगा या तो स्पेस होगा। अच्छा, तो हम जानते हैं कि ये जो रो मेंटेन होता है ये किस लूप से होता है, आई से, और कॉलम किसे मेंटेन होता है, जे से। ये तो मालूम है हम लोगों को कि आई रो के लिए होता है और जे कॉलम के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग रीड करने के लिहाज से करते हैं। आप यहाँ जे बना लो, आई बना लो, कुछ भी लिख लो, रो कॉलम लिख लो। अच्छा, अब आप ये देखिए कि स्टार कहाँ कहाँ पे पहले प्रिंट हो रहा है। आई यहाँ पर लिख दीजिए, जे यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए बहुत सिंपल मेथड, तो आई का मेथड क्या है, आई जब 1 है तो जे की जगह क्या है, 1 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू जब 2 है तो जे की वैल्यू क्या है, 1 पे भी प्रिंट होगा और 2 पे भी होगा। आई जब 3 है तो जे की वैल्यू क्या है, 1 2 3। आई जब 4 है तो जे की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। आई जब 5 है तो जे की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। मतलब इन सभी जगहों पे स्टार प्रिंट होने चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को, हम वो जगह पता कर लिए जहां पर हमें स्टार को प्रिंट कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो जगह पता चल गई जहां पर स्टार प्रिंट होगा, जिस जिस जगह पर। ठीक, अब ये बताइए आप लोग मुझे कि जब आप इसमें से बीच वाले कॉलम को हमेशा उठाया करिए, 3 को उठा लीजिए, 4 को उठा लीजिए, कोई बीच का। तो अगर इस 3 को, 3 मतलब आई, ठीक है, और ये 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 का मतलब हो गया जे। ठीक है, और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जानी चाहिए, जी हमारा 3 तक जाना चाहिए, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के 3 तक जाना चाहिए। यहां पर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा करते चलिए, 4 तक। यहां जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाना चाहिए, 5 तक। ठीक, तो अगर इसे हम देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो जे की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट हो रही है हर जगह, जे की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये कहां तक जाना चाहिए। और यहां पर देखिए जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक प्रिंट होना चाहिए, 2 तक, 5 तक। और नहीं नहीं ये 2 तक, ये ऊपर वाला हम इसकी बात कर रहे हैं अब। तो ये जे की वैल्यू ऊपर केवल 1 तक प्रिंट होना चाहिए। तो 1 तो देखिए जे की मैंने दो चीजें लिखी है, जे 1 और जे 5, जे 1 जे 4 जे 1 जे 3 जे 1 जे 2 और जे 1। अच्छा, 1 2 3 4 5 क्या है, ये देखिए ये तो आई है, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमने लिखा है जे 1 और लिखा है इधर जे 1 जे 2 और यहां पर क्या है, सॉरी ये तो 1 ही रहेगा, जे 2 है, फिर ये है जे 1 से जे 3 तक और जे 4 से 1 से लेके जे 4 तक और फिर जे 1 से लेकर के जे 5 तक। तो इस साइड तो आप ध्यान दीजिए तो जे 1 पूरा है और इधर क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर मैं लिख दूं जे और 1 और 1 2 3 4 5 को मैं लिख दूं जे आई, आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, और मैं इसको लगा दूं लेस देन आर इक्वल। कुछ लॉजिक समझ में आई बात मेरी,
नहीं समझ में आएगी आप लोगों को अभी फर्स्ट टाइम, हो सकता है डाउट हो कुछ। चलिए पहले इस पे हम बनाते हैं प्रोग्राम, क्योंकि अभी इस लॉजिक को हम लोग और भी यूज करेंगे। इस लॉजिक से अभी हम लोग कम से कम 8 से 10 पैटर्न देखेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ, या मैं ठीक, फिर से मैं आपको एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जेब की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, हमें ये पता चल गया है कि स्टार हमें कहाँ कहाँ प्रिंट करना है। इसको देख करके आपको इसे पता चल गया, आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी उस समय। मतलब फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे आप लिख लीजिए फिर एक बार से, थोड़ा आई और जे, आई जब 1 हमारा होगा तो स्टार कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, जे की कौन सी वैल्यू पर, अब बताइए। आई जब की वैल्यू जब 1 होगी तो जे की कौन सी वैल्यू पे, 1 पे प्रिंट होना चाहिए, और टू थ्री फोर फाइव पे नहीं। ठीक, नहीं उसके बाद आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो स्टार हमारा कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, वो जे की कौन सी वैल्यू है जहां पर स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 और 2 दोनों के। 1 और 2 दोनों पे। मैं यहाँ 1 और 2 दोनों लिख देता हूँ। ठीक, आई की वैल्यू फिर 3 हो रही है, तो अब स्टार हमारा जे की कौन सी वैल्यू है जहां पर स्टार प्रिंट होगा 3 वाले रो पे। हाँ, 1 2 3 ये देखिए इसको इसी तरह से आपको समझना है। और 4 जब होगा तो कौन सी वैल्यू है जे की, जे के 1 2 3 4 पे। 1 2 3 और 4 पर है, और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो वन जे टू के वन टू थ्री थ्री फोर फाइव हाँ ये पूरा। तो ये तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो जे की वैल्यू हमने लिखी है, ये हमने क्या पता किया है, आई और जे को लिख करके हमने ये पता किया है कि कौन सी वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर स्टार प्रिंट हो रहा है, अभी हमने कुल ये पता किया है। और बाकी सभी जगह पे हमें क्या प्रिंट कर देना है, स्पेस। स्पेस। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि स्टार कहाँ पे प्रिंट होता है होना है, तो उस जगह पे स्टार प्रिंट करने के बाद बाकी सब जगह स्पेस प्रिंट करा देंगे, समझ के बात। ओके अच्छा, लूप को हम कितनी बार चलाएंगे, लूप को तो हम 25 बार चलाएंगे ही चलाएंगे, मतलब 5 बार रो चलाएंगे और 5 बार कॉलम, मतलब ये 5 बार ये रो चलेगी और ये कॉलम भी हमारा 5 ही बार चलेगा, तो लूप तो हमारा पूरा चलेगा, लेकिन कभी स्टार प्रिंट होगा, कभी स्पेस प्रिंट होगा, कभी स्टार कभी स्पेस, ऐसे चलेगा। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा यस सर। इसको इस साइड इसको लिखते हैं, या मैं इसको मूव कर देता हूँ इस साइड। अच्छा, अब देखिए, अब मुझे इसे जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने का मतलब मुझे आई और जे को ही यूज करके इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, मेरी बात फिर से समझिए। अब मुझे जनरलाइज तरीके से इसे लिखना है कि आई और जे को मैं क्या यूज करके प्रिंट कराऊं। अभी हम लोगों ने एक मेथड से प्रिंट करा लिया था, बहुत आसान था वो, ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लगने लगा होगा उसकी अपेक्षा, लेकिन और भी तरीके हैं हम लोगों को प्रिंट कराने के, वो भी देखेंगे हम लोग अभी। इसी शेप को और भी मेथड से हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये वाला जो मेथड है, ये मैं इसलिए आपको फोकस कर रहा हूँ कि ये बहुत, अगर समझ जाएंगे आप तो आगे बहुत डिफिकल्ट सेफ होंगे, तो वो इसी पे हम लोग यूज करेंगे लॉजिक पे। तो अब जे को हम लोग थोड़ा सॉर्ट करते हैं, तो जे को सॉर्ट करने के लिए यहीं पर ऐसे कुछ करता हूं। जब आई की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो और 1 तक ही चले, 2 तो होना ही नहीं यस सर। चाहिए। मैं ऊपर नो यहाँ जो जो यहाँ सर्किल में लिख रहा हूँ वो इसकी वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले। जब 2 हो तो जे 1 से तो स्टार्ट हो, स्टार्टिंग देखिए कहाँ, ऊपर देखिए, आप ही लोगों ने बताया कि 1 और 2 को प्रिंट करना है, तो जे 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक चलेगा, यानी जे कहाँ तक चलेगा हमारा, 2 तक। ठीक, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 1 से से चलना कहां तक चाहिए, 3 थ्री तक। तक। अब इसको हम लोग देखिए छोटा करते जा रहे हैं। जब हमारा ये 4 हो आई की वैल्यू, तो जे कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, से और चलना कहां तक चाहिए, 4 फोर तक। तक।
और जब आई की वैल्यू 5 हो तो जे हमारा स्टार्ट हो 1 से और चले कहाँ तक, 5 तक। फाइव अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए तो जे हमारा 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक जे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और चलना कहाँ तक है, 5 तक। तो कोई ऐसा ऑपरेटर कोई का यूज आप बताइए कि हम लिख सके कि जे हमारा 5 से छोटा हो तब तक तो चले, या 5 के बराबर हो। 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि जे की वैल्यू तो 1 ही होगी, हम लोग ने स्लाइस तो 1 की है ना जे में, जे को जब हमने बनाया है वेरिएबल तो उसमें 1 रख दिया है, तो वो तो स्टार्ट तो हमेशा 1 से हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा ऑपरेटर जो कि ये क्लियर करे कि 1 2 3 4 5 तक चल जाए, तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लेस देन इक्वल। यानी जब हमारा जे लेस देन इक्वल हो 5, तो जे की वैल्यू 1 होगी तो भी प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी, तो ये पूरा ट्रू हो गया। ये कंडीशन हम लोगों ने क्या बनाई है, जे लेस देन इक्वल 5। तो इसी तरीके से हमें क्या बनाना होगा 4 के लिए, अब बताइए क्या होगा 4 के लिए। जब हमें जे को 5 तक चलाना था तो हमने लिखा जे लेस देन इक्वल 5, अगर हमें जे को 4 तक चलाना हो तो क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल 4। बस एकदम परफेक्ट। जे लेस देन इक्वल 4, 3 तक चलाना है तो क्या लिखेंगे, जे लेस देन इक्वल 3, जे लेस देन इक्वल 2, और जे लेस देन इक्वल 1। 1 तक चलाना है क्योंकि पहला वाला 1 ही तक चलेगा। अब देखिए ये हो क्या गया, अभी देखिए छोटा होता जा रहा है, हम लोग इसको धीरे धीरे इसको कंडीशन बनाते जा रहे हैं, जे लेस देन इक्वल 1, जे लेस देन इक्वल 2, जे लेस देन इक्वल 3, जे लेस देन इक्वल 4, जे लेस देन इक्वल 5। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है, बार बार हमें नंबर लिखना होगा। आई अब आई का वैल्यू आई की वैल्यू है, मैं अगर आई की वैल्यू को यूज कर दूं, यानी मैं यहां पर सिंपली लिख दूं जे लेस देन इक्वल आई, ठीक है, मतलब जे लेस देन इक्वल अगर मैं आई लिख देता हूं तो ये वो वैल्यू बन जाती है जहां पर स्टार प्रिंट होगा। अभी तक तो हम लोग यही ना समझे, जे लेस देन इक्वल आई लिखने का मतलब वो जगह जहां पर स्टार प्रिंट हो। ओके अब हम लोग आते हैं कोड में, ठीक। तो ये लूप तो हमारा देखिए दोनों 5 5 बार चल रहे हैं, लेकिन कभी स्टार प्रिंट होना चाहिए और कभी स्पेस प्रिंट होना चाहिए हमारे इस लॉजिक के हिसाब से, ये वाला, ठीक है। तो कभी स्टार प्रिंट होना चाहिए, और कभी हमें स्पेस प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ पर इस इनर लूप के अंदर एक इफ लिखना होगा, इफ, और इफ की कुछ कंडीशन देनी होगी, और उसके बाद हमें यहाँ क्या प्रिंट करा देना होगा, प्रिंट ऑफ और स्टार। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो, स्पेस, एल्स, और एल्स के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट ऑफ, और यहाँ लिख दूंगा स्पेस, डबल कोट्स के अंदर मैं एक बस सिंपल सा एक स्पेस दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशन इफ के अंदर हमें क्या लिखनी है, ये लूप तो हमारा 25 बार चल रहा है, रो भी 5 बार चल रही है और कॉलम भी 5 बार चल रहा है, तो जब कॉलम चल रहा है तो कुछ कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक तो चलेगा ही, या तो स्टार प्रिंट होगा या तो स्पेस। अब कंडीशन हमने अभी देखिए बनाई है, कंडीशन हमने क्या बनाई है, जे लेस देन इक्वल आई, ये तो बनाई है। अब यहां पर मैं लिख दूं अगर जे लेस देन इक्वल आई, ठीक है, जे लेस देन इक्वल आई, तो जब जे हमारा आई के बराबर होगा या आई से छोटा होगा तो स्टार प्रिंट होगा, और नहीं तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला चल जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, तो हमने यहां पर एक इफ एल्स लगा दिया इस इनर लूप के अंदर, और अब मैं इसे एक बार बिल्ड एंड रन करता हूं। परफेक्ट, देखिए वही से प्रिंट हो रहा है। अच्छा
अब अगर मैं 5 की जगह पे मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 10 कर दूँ और कॉलम में भी 10 कर दूँ, 5 5 की जगह पे 10, तो क्या होगा? देखिए ये सेप बड़ा हो जाएगा, देखिए ये सेप हमारा बड़ा हो गया। तो ये बताइए कि पूरा ये सेप यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक, तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट हमारी तरफ से आज है, आप लोगों को प्रिंट कराना है एक अपोजिट सेप, और वो सेप क्या है, 4 5 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 और 1, एक इसको आपको प्रिंट कराना है, एक आपको प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5। थ्री फोर और फाइव, ये सेप। ठीक है, ये दोनों सेप, एक सेप ये है और एक सेप ये है, दोनों सेप आपको प्रिंट कराने हैं। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। आप इसको रो कॉलम वाले पे चले जाइएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, कि मतलब मुझे अब जस्ट अपोजिट मुझे प्रिंट कराना है। ये दोनों सेप आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, और पैटर्न वाला क्लास हम लोग अभी कल भी चलेगा, और कल हम लोग और डिफिकल्ट लेवल पे देखेंगे डायमंड सेप वगैरह। तो कल का भी क्लासेस कोई मिस ना करें, और